मलेशिया बहुत अच्छा है, 10 साल के बाद जाएगा, अच्छा ज़्यादा कमाए को तो फिर जाएगा, बॉस भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कंपनी का काम पे आएगा तो अच्छा है, कंपनी अच्छा है तो आदमी का पैसा कमाने का अच्छा पैसा कमाता है, मेहनत करके पैसा कमाता है। घर पे थोड़ा कमाएगा तो घर पे अच्छा है, लेकिन दूसरे कंट्री में आएगा तो अच्छा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन, तो कितने साल हो गए मलेशिया में? मैं इधर में 4 साल खत्म हो गया, फिर 5 साल चल रहे। तो आप शुरू में स्टार्ट में परमिट या वीजा लगवा के आए थे या उस टाइम विजिट पे आए? मैं तो इधर टूरिस्ट वीजा में आया, टूरिस्ट वीजा में आया, फिर बाद में अभी ऐसे काम चल रहा है लेकिन वीजा नहीं लगाया, नया लगाएगा अभी। कोई मुश्किल आया या नहीं आया? नहीं, कोई मुश्किल नहीं आया। अच्छा, पुलिस आएगा पकड़ेगा तो चेक करेगा फिर छोड़ दे जाता है। मलेशिया बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आगे क्या इरादा आप इधर काम करने का, वापस जाने का, कोई पैसा वैसा जमा करता है? कोई मुश्किल नहीं है, इधर में आया पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाएगा फिर बाद में जाएगा, अभी तो 4 साल हुआ, 10 साल के बाद जाएगा। अच्छा, पैसा ज़्यादा बनाएगा तो फिर जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर्सनली, जिसको प्राइवेट बोलते हैं। हाँ, जब मलेशिया आने का इरादा किया, हाँ, तो क्या दिमाग में क्या था, दिल में क्या था कि मलेशिया में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? वो तो मैं आया मलेशिया में, आया गांव में, जाएगा बारी बनाएगा, अच्छा से शादी करेगा, बीबी है, बच्चा है, मेरा घर पे बाबा है, मम्मी है, सबको देखना पड़ेगा, इसलिए इधर आया। पैसा ज़्यादा कमाएगा तो फिर जाएगा। अच्छा, अच्छा से रोकेगा बाद में। तो घर में कितने आपके अफराद हैं, कितने बंधु हैं? हाँ, घर में बंधु तो ज़्यादा होता है लेकिन दूसरा है प्यार का दोस्त, दो ये है। अच्छा, मेरा घर पे जो पैसा देता है, नेता है, लेकिन सब कुछ क्या करते हैं, मेरा दो बंधु है, दोस्त है। आने से पहले आप शादी कर के इधर आया था या? नहीं नहीं, अभी शादी नहीं किया था, घर पे जाएगा फिर बाद में शादी तो करेगा। इस वक्त आपकी तकरीबन एज कितनी है, उम्र? उम्र मेरा ये तो 25 साल हो गया। 25 साल में तो इंसान शादी के लायक हो जाता है, काबिल हो जाता है? लायक तो होता है, लेकिन पैसा ज़्यादा होता तो लड़की अच्छा मिलेगा, पैसा नहीं तो लड़की भी नहीं मिलता है। जो पैसा होता है लड़की भी आता है, पैसा नहीं है तो लड़की भी नहीं आता है। तो शादी के लिए कह रहा था कि इधर मलेशिया में करे या अपने देश में जाके करे? नहीं नहीं, मलेशिया तो, मलेशिया तो लड़की बहुत ज़्यादा है, पैसा है तो लड़की ज़्यादा मिलता है, लेकिन मलेशिया अच्छा नहीं है, घर पे जाएगा शादी करेगा उधर ही अच्छा है। उधर रिश्तेदारों में शादी करेगा या दूर के रिश्तेदारों में करेगा या बेगानों में करेगा? नहीं, ऊपर वाला जिधर में लिखा दिया उधर ही शादी करेगा। तो आपने अपना नसीब अल्लाह पे छोड़ा हुआ? और अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, जिधर अल्लाह मिल के रखा है उधर ही शादी करेगा। बेशक अल्लाह के इरादे मजबूत। हाँ, अल्लाह का मजबूर है, ये हम सब का ईमान है कि अल्लाह के इरादे मजबूत है। अच्छा, तो और कोई मलेशिया में आपको कोई परेशानी? कोई नहीं, कोई परेशान मुझे अभी तक नहीं हुआ, 4 साल से हो गया, अभी मलेशिया में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। मेरा बॉस भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इधर जिधर मैं काम करते उधर बॉस बहुत अच्छा है, पैसा लगेगा तो जरूर दिएगा, जो भी चाहिए वो भी दिएगा, कोई मुश्किल नहीं। पुलिस पकड़ेगा तो बॉस जल्दी जल्दी आकर पुलिस से लेके जाता है, बोलते हैं कोई मुश्किल नहीं, मेरा बॉस बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे जवान लड़के और मलेशिया में आना चाहें, हाँ, तो आप उनको क्या? नहीं, मलेशिया में तो नहीं आना पड़ेगा, मैं तो दूसरे कंट्री में लेके जाएगा, हनीमून करेगा, लेकिन मलेशिया में नहीं आने का, मलेशिया लेकिन लड़की के लिए अच्छा नहीं है मलेशिया। अच्छा, लड़के के लिए, पैसा कमाने के लिए अच्छा है, लेकिन लड़की के घूमने के लिए आके वो अच्छा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में बहुत अच्छा से आदमी रहता है, बहुत लंबा पोशाक पहनता है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मलेशिया में इतना पोशाक नहीं है, जो मलेशिया में आएगा वो खराब हो जाएगा, लड़की आएगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन लड़की नहीं आना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब है कि इधर सिर्फ काम के लिए आना चाहिए? हाँ, इधर से काम करने के लिए आया, काम करेगा पैसा कमाएगा जाएगा। सही, और दूसरी आपको ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, खाली काम के लिए आना, काम के लिए आया, काम करेगा, खाएगा, सोएगा, बाद में घर पे जाएगा। तो अच्छा, आपको जैसे आपने बताया आपको हो गए 4 साल, 4 साल तो आपका कितना इरादा, कितने साल इधर रुकने का? इधर 10 साल रुकेगा, 10 साल, 10 साल रुकेगा। आपका, आपके दिल में है कि मैं 6 साल इधर और काम करूँगा? नहीं, अभी 4 साल हो गया, 6 साल के बाद घर पे जाएगा, फिर आएगा 4 साल करेगा, फिनिश में जाएगा। तो फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है? पैसे तो अभी जमा कर रहे हैं ना बैंक में, तो बोलते हैं कमेटी, तो जो पैसा जमा करता है ना उसको कमेटी बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं पैसे जमा करने के? जमा करने के बोल रहे, पैसा बैंक में रखता है, घर में, मतलब घर में रखता है, लेकिन
वो जमी लेता है लेकिन बैंक में रखता है, ऐसा ही चल रहा है अभी। अच्छा एक बात और पूछूं, जो मलेशिया में नौजवान आते हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, हमारे इंडिया से भाई आते हैं, उनको ऐसा वीज़ा लेना चाहिए दुकानों का, मार्केट का, या किसी कंपनी का, या कंस्ट्रक्शन का, कैसा वीज़ा लेना चाहिए? लेकिन पहले तो आदमी कंपनी का विषय आता है, सारा आदमी तो कंपनी का विषय आता है, लेकिन बाद में आदमी छोड़ के, अच्छा नहीं तो काम छोड़ के उधर उधर जाता है, लेकिन कंपनी का काम पे आएगा तो अच्छा है, कंपनी अच्छा है तो आदमी का पैसा कमाने का अच्छा पैसा कमाता है। यानी जिस कंपनी में आदमी आए हाँ, उसमें उसको रह के काम करना चाहिए, कंपनी में काम करने का तो अच्छा है, भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, भागने का तो बहुत परेशानी है, लेकिन पुलिस क्या परेशानी है, इधर छोड़ के उधर गया, उधर बस अच्छा नहीं है तो उधर का छोड़ के वो दूसरा जगह में जाएगा, वो अच्छा नहीं है, जिधर में आएगा इधर में रुकेगा, पैसा थोड़ा है तो अच्छा है। अच्छा जब आप आए थे तो उस वक्त मलेशिया का सीन कैसा था, परेशानी थी, मुश्किल था, इजी था, या आपको परेशानी मुश्किल? मेरे को कोई भी परेशानी में नहीं मिला, लेकिन मैं आया, जब आया वो बॉस में दुकान में काम किया था, मेरा बॉस का दो दुकान है, उधर का 4 साल काम मेरा ख़त्म हो गया, फिर बॉस इधर में नया दुकान लिया, इधर लेके आया मेरे को, इधर में अभी 6 महीना फिनिश है, चल रहे 6 महीना फिनिश, उधर 4 साल किया था नया दुकान में, पहले दुकान में, अभी ये नया दुकान है, इधर में 6 महीना हो गया इधर काम कर रहे, कोई कभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पैसा लगेगा जरूरत बस दिएगा, कोई दर्द लगेगा तो डॉक्टर में लेके जाएगा, सब कुछ बस देखेगा, कोई मुश्किल नहीं मेरे को। अच्छा आपके जो पीछे रिश्तेदार हैं हाँ, कज़न रिश्तेदार हैं, तो जब हम लोग, जैसे मैं भी आपके बराबर ही हूँ, आपका भाई हूँ, आप भी, हम लोग मलेशिया में, दुबई में, सऊदी कतर में जाते हैं, तो जो पीछे रिश्तेदार या कज़न होता है वो बोलते हैं भैया मेरे लिए मोबाइल भेजना, मेरे लिए चीज़ लाना, ये भेजना, वो तो बांग्लादेश में जो आदमी आता है लेकिन फिर जाता है, वो आदमी कभी भी नहीं बोलेगा, उसको मालूम होता है जे मलेशिया में, चौधरी में, जिधर में जाएगा आदमी कैसे पैसा कमाता है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन वो आदमी कभी भी नहीं चाहता है, वो जो आदमी घर के बैठ के खाता है और घूमता है, उसको बोलता है भाई मेरे को दामी वाला एक फोन दो, वो दो, वो तो अच्छा नहीं, जो आदमी आता है काम करता है लेकिन उसको जानता है पैसा कैसे आता है। मैंने तो सुना है कि इधर पेड़ पे पैसा, रुपया लगा जाएगा, पैसा पेड़ से तोड़ के ला जाएगा, घर भेजेगा, मोबाइल भी सड़कों में गिरे पड़े हैं, मोबाइल भी उठा के भेजिएगा, वो दिएगा तो जो धंधा मिलता है ना वो भी पैसा दिएगा, ज़्यादा दिएगा तो मुश्किल नहीं, हम लोग दिएगा तो बहुत परेशानी है, लेकिन हम लोग का काम करने का जो पैसा आता है वो पैसा मेहनत का पैसा है, लेकिन दूसरा जगह में खर्च करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पैसा आता है कितना कैसे आता है ये मुझे मालूम है, बहुत गर्मी से काम करता है, उधर पैसा आएगा वो बॉस दोस्त बोलेगा, दूसरा आदमी बोलेगा मेरे को एक फ़ोन भेज दो, घर भेज दो, वो अच्छा नहीं है, फिर आएगा मेहनत करेगा पैसा कमाएगा तो मालूम होता है कैसे मिलेगा पैसा, कैसे मोबाइल मिलेगा, ठीक है, हम लोग कितना मुश्किल से पैसा कमाता है इधर उसको तो मालूम नहीं है, मालूम होता है तो कभी भी नहीं चाहता है भाई एक फ़ोन दो मेरे को, एक घड़ी दो, वो भी दो, वो कभी भी नहीं चाहता है, लेकिन उसको तो नहीं जानता है कैसे पैसा आता है, अगर जानता होता तो वो सवाल नहीं था। बांग्लादेश का आदमी जानता है, विदेश जाएगा ज़्यादा पैसा कमाएगा, ज़्यादा आदमी वो पैसा ज़्यादा हो गया अभी तो मोल चाहिए तो दिएगा, जो भी चाहेगा वो भी मिलेगा, वो तो वो ही मानता है, लेकिन पैसा कैसे आता है उसका जानता नहीं है, आएगा तो मेहनत करेगा तो जानेगा। सही, और आप कुछ कहना चाहें मेरे को, और कोई मैसेज देना चाहें नौजवानों को, नए लड़कों को? नहीं, मेरे को कोई लड़की विरकी अभी कुछ नहीं मिला। आदमी को कोई मैसेज देना चाहें जो कहते हैं यार मैं भी बाहर जाऊँगा? वो तो आदमी को मैसेज क्या करना पड़ेगा, जो आदमी आने का आएगा पैसा कमाएगा ज़्यादा जाएगा, मुश्किल नहीं, कोई आदमी को बोलेगा तो मलेशिया में मत आ, उधर में मत जाओ बोलेगा, उसको पैसा ज़्यादा कमाते हम लोग को बोलता ही नहीं आता है, वो ऐसा बात नहीं है, मुश्किल नहीं, जो आदमी आएगा फिर नहीं आएगा तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, घर पर मुझे पैसा घर पर थोड़ा कमाएगा तो घर पर अच्छा है, लेकिन दूसरे कंट्री में आएगा तो अच्छा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, अकेला है, खाएगा काम करेगा सोएगा और कुछ नहीं है, घर पे जाएगा तो काम करेगा, इधर उधर घूमेगा,
दोस्त है, बंधु है, सब कुछ है, सारा आदमी के साथ ढूंढेगा अच्छा लगेगा। इधर तो कोई अच्छा नहीं लगता है, काम करेगा फिर खाएगा सोएगा, वो तो अच्छा नहीं है, अच्छा जिंदगी नहीं है। एक बार आ गए तो आप दोबारा आने का कभी सोच भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, दो बार आने का कोई चूस नहीं है, फिनिश में जाएगा, फिनिश में करेगा जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि जो आपने आपको लोग बड़ा बड़ा समझते हैं, मतलब पाकिस्तान में अगर चार भाई हैं, हाँ चार भाई हैं, तो एक भाई बाहर चला गया, चाहे सऊदी अरब, दुबई, कतर, मलेशिया चला गया, तो पीछे पीछे छोटे पूछना, हाँ भाई चौधरी क्या काम करते हो? मेरा भाई बाहर गया हुआ। बाहर हो गया, वो बाहर में क्या काम करते हैं उसको तो मालूम नहीं है। मेरा भाई बाहर में है, तीन भाई बाहर में, मैं एक लाख गांव में है, लेकिन उसको तो मालूम नहीं है भाई तीन भाई क्या क्या काम करता है। उसको घर में बैठ के नहीं खाना चाहिए, बैठ कर नहीं खाना चाहिए, उसको अपने देश में मेहनत करना चाहिए, ये ना कहे कि मेरा भाई उधर सोचना पड़ेगा ना भाई। मेरा बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन वो खाना बनाएगा, मैं तो इधर खाना बनाने का आदमी है, 200 आदमी का खाना बनाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो अभी मैं जाऊँगा। आप कोई लास्ट में अपने दिल की बात करना चाहे तो आप इजी कर सकते हैं। मैं तो दिल बहुत परेशान, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इधर काम करेगा, घूमेगा, खाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, दिल बहुत अच्छा है, दिल का कोई मुश्किल अच्छा, नहीं है। आप आखिरी बात ये कर रहे हैं कि एक बार मलेशिया में या बार सऊदी में आएगा दोबारा नहीं आना चाहिए? दो बार तो नहीं आना चाहिए, पैसा जमा करके खुद का बिजनेस, हाँ पैसा जमा करके गाँव जाएगा, खुद और दुकान दिएगा, नहीं तो दूसरा बिजनेस करेगा, मुश्किल नहीं, बिजनेस करके गांव में रहेगा, वही अच्छा है, और सारा आदमी को बोलेगा, वो साथ पाई करेगा, शेयर करेगा, मुझे सलाम रहेगा सारा आदमी को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।